गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। साल में एक ही बार गुरु पूर्णिमा आती है और इस पर लोगों को बड़ा चार्म होता है कि हम मंदिर जाएं। काफ़ी लोग तो इन्हीं को गुरु मानते हैं, किसी का कोई गुरु नहीं है, बाबा भोले भंडारी ही गुरु हैं, ये सोच के पूर्णिमा के लिए आते हैं, गुरु पूर्णिमा के लिए और पूजा करते हैं। आपने देखा हमने पूरी व्यवस्था करी हुई है, सिक्योरिटी की, सब चीज़ की, भीड़ खूब है। आज पहले दिन ही इतनी भीड़ है कि जितनी हम सोच नहीं रहे थे कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन हमने अपनी तरफ से सब व्यवस्था करी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तो सिक्योरिटी का हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है, फूलों का श्रृंगार का किया हुआ है, भंडारे का किया हुआ है, लाइटिंग का करा हुआ है। ये आप देखेंगे कि मंदिर की शोभा इतनी अच्छी लगेगी कि मैं कह सकता हूँ बाबा खुश होकर ये सब काम करवा रहे हैं। सावन भी आने वाले हैं, सावन आ गया, आने वाले नहीं, आ गया सावन, आज सावन चालू हो गया, जब भी आप इतनी भीड़ देख रहे हैं और सावन चालू हो गया, और सावन में सब व्यवस्थाएं हमने अच्छी तरीके से करी हुई हैं। उसके लिए सारा पुलिस का इंतजाम है, हमने अपने कमांडो बुलाए में, अपने वॉलंटियर लगाए में, इस पूरा इंतजाम ये करा हुआ कि किसी श्रद्धालु को कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गुरु पूर्णिमा का माँ का दिन है, पूर्णमासी है, और आज ये विशेष दिन है, विशेष महत्व होता है पूर्णमासी का, तो आज बड़ी गुरु पूर्णिमा है। यानी कि भगवान शिव को ही गुरु मान रहे हैं और भगवान शिव ही गुरु हैं? हाँ जी, भगवान शिव ही गुरु हैं हमारे, और गुरु पूर्णिमा है, आज बड़ा शुभ दिन है। क्या मांगती हैं भगवान से? भगवान से सुख समृद्धि घर में, सुख शांति बनी रहे घर में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।